20 लाख करोड़ के पैकेज की पहली किश्त का ऐलान कल हुआ। वित्त मंत्री के इस ऐलान में एमएसएमई सेक्टर को काफी सौगात दी गई, लेकिन आज फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और उम्मीद ये है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों और कृषि से जुड़े उद्योगों को राहत मिलने के आसार हैं। इसके साथ ही सप्लाई चेन से जुड़ी दिक्कतों पर भी आज कुछ ऐलान मुमकिन है। तो एमएसएमईज को कल 3 लाख करोड़ का ऐलान किया गया, लेकिन अब आज के दिन जब दूसरा ये दिन है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो क्या वित्त मंत्री के पिटारे से निकलेगा ये देखना होगा। कल ही उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि डेली इस तरह की ब्रीफिंग्स होंगी जिसमें 20 लाख करोड़ के पैकेज का बंटवारा किस तरह से किया जाएगा उसकी जानकारी देश को दी जाएगी। पूरे अर्थव्यवस्था का हर वर्ग का ख्याल मोदी जी के पैकेज में होता है, वैसे इसमें भी होगा। समाज के सभी तबकों का विचार करने वाला ये आज है, मैं बहुत स्वागत करता हूँ और यही निर्णय देश को आगे ले जाएंगे। और जैसे भारत की कल्पना एक नए विजन के साथ, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना मोदी जी ने की है, वो साकार होगी निश्चित रूप से। अब क्या होगा कि अब इसमें एमएसएमई की डेफिनेशन भी बदल गई है और विशेष रूप से ग्लोबल टेंडर वाली बात भी निकल गई है, 200 करोड़ तक का टेंडर निकलेगा। तो ये जो डिफेंस फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस में जो टेंडर निकलते हैं, इसमें बड़े प्रमाण पर इसका फायदा होगा और मैं मानता हूँ कि ये फायदा एमएसएमई को होगा, खादी विलेज इंडस्ट्री में कुछ छोटी इंडस्ट्री उनको भी होगा और ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है जो रोजगार की निर्मित करेगा। कल जब राहत पैकेज के हिस्से का ऐलान हुआ तो इस पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का क्या कहना है? हम भारत को आत्मनिर्भर भारत, एक स्वावलंबी भारत और एक सशक्त भारत बना करके आज कोरोना संकट से न केवल उभारने में अपितु दुनिया की एक आर्थिक ताकत बनाने में भी हमारा एमएसएमई सेक्टर इस प्रकार के सरकार के सहयोग से एक नई ताकत के रूप में उभरेगा और भारत निश्चित ही एक ग्लोबल ताकत के रूप में, इकोनॉमी के रूप में उभरेगा। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का एमएसएमई सेक्टर के लिए इस बृहद पैकेज की घोषणा के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये भारत की आत्मनिर्भरता का पैकेज है, ये एमएसएमई को नए सिरे से खड़ा करने का पैकेज है, ये रोजगार बढ़ाने का एक विराट अभियान है, ये कोरोना की हालत में जो नुकसान हुआ है हमारे एमएसएमई को उससे उबारेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक क्रांति है ये पैकेज। मैं इसी पैकेज की गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा की सरकार की तरफ से, गोवा की सभी एमएसएमई और सभी इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ से मैं सभी का इस पैकेज का स्वागत करता हूँ। पंतप्रधान मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, माननीय वित्त मंत्री का भी मैं धन्यवाद करता हूँ और इस बड़ी जो राहत दी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अभी जो सेकंड पैकेज जो दी है, इससे डेफिनेटली देयर इज एन इकोनॉमिक बूस्ट इन होल ओवर द कंट्री। कल उन्होंने कहा था लोकल और वोकल, अर्थात मेक इन इंडिया, इसके ऊपर जोर देने का एक बहुत बड़ा एक ये प्रावधान किया गया है। इसी में से हमें लगता है कि अपना भारत ये आत्मनिर्भर होगा और आत्मनिर्भरता अगर हो जाती है हमारी तो हम विश्व की एक शक्ति के रूप में उभरने वाले हैं। ये एक बहुत एक बड़ा इसमें काम किया गया है।